ओके गाइस, सो आज का टॉपिक भी हमारा MCU 21 से ही रिलेटेड होने वाला है। MCU 21 हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, और ये पहला क्वेश्चन जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी जून 2022 में आया हुआ है। वो मैंने आपको वेबसाइट से कराया था। ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन जो जून 2022 में आया है, ये वही क्वेश्चन जो है मैंने हूबहू आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो किस तरीके से आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करेंगे ओके आज। एक्चुअली टोटल दो क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा डिस्कस वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या होते हैं, हम लोग उन सब चीजों को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके ओके यस ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ जो कोटेशन में आपको लाइन दिख रहा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल है, हम लोग बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने ऐसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया था कि डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग करते हैं, राइट। तो ये उसी से मिलता जुलता ओके क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है एक्चुअली, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां पे ये बोला जा रहा है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, वो एक इकोनॉमिक्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिसीजन मेकिंग में करेंगे। तो वहां पे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल वे में और नॉन प्रैक्टिकल वे में भी जो है इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल बिजनेस में किया जाता है, राइट। तो वही बात को यहाँ पे बोला गया है, और बोलने के बाद कहा जा रहा है कि आप इसको जस्टिफाई करेंगे बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ तरीके बताने हैं, और आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। ओके देन, यस तो आपको दिख रहा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू एनालाइज एंड सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग दोज रिलेट टू द प्राइसिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट डिमांड, है ना। वही सब चीजें हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक थ्योरीज का एप्लीकेशन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स उसके जो है इकोनॉमिक्स को उसको अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं इकोनॉमिक्स को, उसको अप्लाई किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। हेयर आर सम ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एज ए इकोनॉमिक्स बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेता है, हिस्सा लेता है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइस को लेकर के जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है, इन जनरल भी अगर आप समझेंगे, प्राइस को लेकर के जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप उसके कॉस्ट के ऊपर ध्यान देंगे, है ना, कि उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, उसकी लागत कितनी हुई, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आपका, जहां पे आपको लेबर लगाना पड़ता है, रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, फिर उसमें ओवरहेड कॉस्ट जो है, या जो एडवर्टाइजिंग या फिर सेलिंग का जो कॉस्ट है, वो सारा का सारा कॉस्ट जुड़ करके जो है एक प्रॉपर कॉस्ट बनता है। तो ये जो चीजों का आप जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो अकाउंटेंसी भी एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अकाउंटेंसी के बारे में भी बोलता तो भी हम लोग बोलते कि हम लोग इसमें अकाउंट्स कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक टर्म बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप किसी एक चीज की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पे जो बचत होता है उसी का इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट में फिर हो जाता है। तो उससे जो है काफी काफी हद तक जो है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जो प्राइसिंग डिसीजन है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कितना होने वाला है, वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर एक तरीके से पड़ेगा, ठीक है। वही बात देखो है, मैनेजर्स यूज प्राइसिंग डिसीजंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स व्हाइल सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स, है ना। यहाँ पे वो लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट को, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो ट्राई टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स टू। क्योंकि अगर वो लोग कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देंगे, तो फिर उनको दिक्कत हो, है ना। इकोनॉमिक्स का यस इस्तेमाल करके उन लोगों ने सबसे पहले जो है प्राइसेस को अपना रिड्यूस कर लिया जहां तक वो लोग कर सकते थे। करने के बाद उन्होंने एक प्राइस सेट किया कि चलो ये मेरा सेट प्राइस जो है वो सेट होने वाला है, ये जो है प्राइस मैं रखूंगा अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सपोज उसकी मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उसको, मतलब लोग चाहते हैं लेना पर वो मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी मोनोपोली है। आप उस केस में अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस रख लो, लोगों को वो चीज लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उनको खरीदना है पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हाँ ओलिगोपोली जो है, मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये आप लोगों ने सुना होगा 11th 12th में। तो ये देखो इकोनॉमिक्स का टर्म है जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहा है।
है ना। साथ ही साथ मार्केट में डिमांड कैसा है आपके प्रोडक्ट का। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि जब डिमांड अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करेंगे, चाहे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो वही बात बोला गया है कि प्राइसिंग डिसीजन में इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्राइस लेवल। प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में मैं बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में, तो ये कुछ इस तरीके से था कि एक प्रोडक्ट अगर आप एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा या जो एक्स्ट्रा लागत पड़ेगी वो चीज यहाँ पे एक्चुअली है, ठीक है ना। जो जो कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो यहाँ पे एक तरीके से यूज में आ रहा है प्राइसिंग डिसीजन में, कि आपको प्राइस जो है कितना रखना है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट अगर आप ज्यादा जी मतलब क्या बोलूँ, एक प्रोडक्ट अगर आप ज्यादा बनाते हैं, ठीक है ना, और अगर पहले का कुछ प्रोडक्ट का मटेरियल्स बचा हुआ है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है एक प्रोडक्ट को बनाने की वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, खर्च जो है आपका उतना ज्यादा नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्राइस रख सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइसिंग आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, खर्च अगर आपका ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना। तो आप ऐसा प्राइसिंग रख सकते हैं जिससे जो है कस्टमर को भी फायदा हो और एट द सेम टाइम आपको भी जो है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में यूज डिमांड फॉरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी जो है डिमांड फॉरकास्टिंग कर सकती है कि आने वाले समय में उसकी जो प्रोडक्ट है उसका क्या डिमांड मार्केट में रहने वाला है, एंड मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द प्राइस लेवल दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। और वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई एक ऐसा प्राइस पॉइंट चूज कर सकते हैं जहां पे उनको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑफ सीजन में नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि ऑफ सीजन में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो ऑफ सीजन में जो है लोगों का उस चीज का डिमांड ज्यादा होगा, तो आप उसकी प्राइसिंग अपने हिसाब से रखोगे, है ना। आपको ऐसी प्राइसिंग रखनी है जिससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए कि चलो ठीक है प्राइस, और आपको भी मैक्सिमाइज करने का मौका मिले अपने प्रॉफिट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिमांड फॉरकास्टिंग और मार्केट रिसर्च का अपना इस्तेमाल कर रहे हो, विच इज जनरली हैपेंस इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि की जाती हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन डिसीजन, है ना। तो कितना प्रोड्यूस करना है, किस लेवल पे प्रोड्यूस करना है, कितना इन्वेंट्री आपको अपने पास रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्शन डिसीजन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट, है ना। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे जहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होगा, आप उसको मैक्सिमाइज करोगे, एट द सेम टाइम यू विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो कॉस्ट है, जो लागत है आपका प्रोडक्ट को बनाने में, उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। तो प्रोडक्शन डिसीजन में ये एक चीज जो है वो देखने को मिलती है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन का इस्तेमाल जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिसीजन, जो एक तरह से रिलेशनशिप है ना। जैसे कि सपोज आपका आउटपुट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपका इनपुट बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि इनपुट बहुत ज्यादा होता है लेकिन आउटपुट बहुत कम होता है, मतलब आपका जो मार्केट है वो जो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतना बिक नहीं रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने इनपुट को और कम कर दोगे, है ना। तो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट, और ये जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन को एक तरीके से कनेक्टेड है। आप प्रोडक्शन तभी करोगे ना जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, राइट। तो वो बात है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी मे यूज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मिनिमाइज कॉस्ट। देखो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इस्तेमाल हुआ, मतलब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमल लेवल का हो, मतलब आपका कुछ भी वेस्ट ना जाए। जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, आप उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकें। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैं फिर से दे देता हूँ, सपोज आपको कोई एक बाइक बनानी है, उसके लिए आपको ढेरों रॉ मटेरियल लगेंगे, लेकिन जब आप उस बाइक को बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है बच गया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना था तो वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो कम्प्लीटली बेकार हो गया, आपको तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चलो बाइक तो आपका बन गया लेकिन जो मटेरियल बच गया उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन सपोज अगर आपको दो बाइक बनाने हो तो जो दूसरा बाइक बनेगा उसमें पहले वाले का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, तीसरा बाइक जो बनाना होगा उसमें दूसरे वाले का इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे करते करते ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर लेते हो जहां पे आपको द
10 12 15 प्रोडक्ट आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि आपको आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाता है, खर्च कम होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। उसी बात को यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वो चीज है, प्रोडक्शन कॉस्ट को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे आपको ऑप्टिमल लेवल जो है उसको हासिल करके, राइट। तीसरा पॉइंट है राइट कॉस्ट एनालिसिस। एक मिनट जरा सा मैं पानी पी लेता हूं। यस ओके गाइस, तो हम लोग कॉस्ट एनालिसिस अब कर लेते हैं। नाउ कॉस्ट एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे ही क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपके मन में आएगा कि कॉस्ट एनालिसिस को करके फायदा क्या है। तो यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस करके फायदा ये है कि आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च पड़ रहा है। ऐसा कौन सा खर्च है जिसको आप कम कर सकते हैं? सपोज आपका पानी का खर्च बहुत ज्यादा है, आपको पता चल रहा है कि पानी जो है आपका बहुत ज्यादा वेस्ट भी हो जा रहा है। तो अगर आप पानी के खर्च को रिड्यूस कर दें बाय रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ वाटर, जितना जरूरत है उतना ही करें, तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपका घट जाएगा तो जो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस होगा वो भी घटेगा, जिससे आपका प्रॉफिट आप और ज्यादा कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि कॉस्ट एनालिसिस में होता क्या है कि आपको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और ये चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ पे आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो फाइनल जो आउटपुट निकलेगा उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। कम द से कम कंसेप्ट ऑफ होगा। मार्जिनल कॉस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। ये देखो वही बात बोली गई है कि जब आप कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो तो जो खर्च आपको आता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज यूज्ड, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्शन में, बिजनेस एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग में आप यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि कहता है कि जब आप कोई एडिशनल आप एक जितना प्रोडक्ट आपने बनाया है, अगर आप एक प्रोडक्ट और बनाओगे तो उसके लिए आपको कितना खर्च जो है करना पड़ेगा, कितना जो है आपकी कॉस्टिंग होगी, वो चीज यहाँ पे जो है इस्तेमाल में आ रही है। इज टू डिटरमाइन द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी मे यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू डिटरमाइन वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट और कंटिन्यू यूजिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, बट वही है कि यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक तरीके से जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मतलब कि हर जो मशीन होता है उसका एक डिप्रिशिएटिंग देखना वैल्यू होता है, समय के साथ साथ जो है मशीन खराब होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप खर्च करोगे, सपोज आपको मशीन लेने में बहुत ज्यादा, सपोज आपको पुराना मशीन खराब हो गया, आपको नया मशीन लेना है और नए मशीन लेने में आपको जो है काफी खर्च पड़ने वाला है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या नया मशीन लेना इतना जरूरी है या पुराने मशीन को ही आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके जो खर्च इसमें होने वाला है वो खर्च आप पुराने मशीन को यूटिलाइज करके वहां से निकाल लें, ताकि आप नया मशीन जो है ले सकें, ठीक है ना। जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो यहाँ पे आपको करना है कि आपका जो खर्च है वो किस जगह पे करना आपको सही रहेगा। जैसे रिसेंटली मैंने अपने फोन को एक्सचेंज कराया, मेरा जो फोन था उसकी कीमत मैंने 12,000 में ली थी मैंने वो फोन, और जब मैं उसको एक्सचेंज कराया, मैंने अभी ओप्पो रेनो लिया है तो उसकी प्राइसिंग तकरीबन 33,000 है, तो 12,000 मुझे डायरेक्टली वहां पे एक्सचेंज मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक्सचेंज ना करवा करके डायरेक्टली वो फोन लेता तो ये फोन तो एक तरीके से यूजलेस होने वाला था। जो भी हो इसका एक डिप्रिशिएटिंग वैल्यू है, समय के साथ साथ ये खराब होता होना ही है, तो इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मुझे पुराने फोन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था या नया फोन लेना चाहिए था? ये जो डिसीजन आपको लेना है, ये डिसीजन को लेने में जो है आपका यहाँ पे हेल्प करता है इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का जो मार्जिनल कॉस्ट है, हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, बट एग्जाम्पल जो है उसी से रिलेटेड है, तकरीबन उसी तरीके का है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नए मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए
क्योंकि जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका इस्तेमाल आप और ज्यादा प्रोडक्शन करने में कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली आ जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये डिसीजन जो है आपको लेना पड़ता है, एंड टू टेक दैट डिसीजन मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स अस। सो दैट इज वाई वी से कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स है, वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। किशन आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं समझ गया, मैं वही बोल रहा था। ओके नो ओके, सर, तो ये है। चौथा है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कंपटीशन टू डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये तो काफी कॉमन है, ये तो जनरली करते ही हैं हम लोग बिजनेस में। जब भी अगर मैं भी कोई बिजनेस अगर कर रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली मार्केट को समझना होगा कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, है ना, या किस समय पे। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने इसके बात करूं, जो मैं कॉमर्स की पाठशाला चला रहा हूं, जो क्लासेस चला रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होता है ना यस कि देखने को मिलता है ऐसा कि जब स्टूडेंट्स स्टडी तब करते हैं जब एग्जाम का टाइम जो है काफी नजदीक होता है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि आप लोग स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग से करते भी हैं, कोई ऑनलाइन करते हैं कोई ऑफलाइन करते हैं, दैट्स देयर चॉइस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे स्टार्ट देयर स्टडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली। जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले वो लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट जो है फिर बेहतर नहीं होता हो पाता, वो बात अलग है, लेकिन वो लोग उस टाइम पे करते हैं। तो आप सोचो कि अगर मैं अभी ज्यादा वीडियोस बनाऊं यूट्यूब में तो जो है लोग ज्यादा उसको व्यू करेंगे, या एग्जाम टाइम पे बनाऊंगा तो ज्यादा व्यू करेंगे। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर एग्जाम के टाइम पे आप बनाएंगे तो उस टाइम पे ज्यादा व्यूज आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प होगा, राइट। अभी जो है उतना ज्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इतना ज्यादा सीरियस होकर के कोई स्टडी करता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और जो लोग करते हैं वो लोग तो खैर देखते ही हैं। तो वो चीज देखने को हमें मिलती है कि मार्केट को एनालाइज करना, है ना। मैं भी बहुत सारे डिसीजन अपने कॉमर्स की पाठशाला से रिलेटेड ले सकता हूँ अगर मुझे इकोनॉमिक्स का इसमें इस्तेमाल करना रहे, जैसे यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है ना, जैसे कि एग्जाम की बात होगी। अभी देखो आपका जो एग्जाम का स्केड्यूल है वो आ गया है। एग्जाम का स्केड्यूल आने के बाद स्टूडेंट्स में थोड़ा सा जो है सिंसियरिटी आती है कि चलो एग्जाम का स्केड्यूल आ गया, अब जो है मैं स्टडी स्टार्ट करता हूँ। तो अभी उस चीज को लेकर के अगर मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो उसमें व्यूज अच्छा आ जाएगा, या उस चीज को लेकर के अगर मैं टॉपिक्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट करूं चैनल पे तो भी व्यूज अच्छा आ जाएगा। तो खुद अपने मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे जो डिमांड है मार्केट, जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो आपको समझना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जो डिमांड है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेफिनेटली आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ रहा है। मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे वीडियो कब बनाना है, अभी बनाना है या एग्जाम में बनाना है। तो ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई डिमांड ऑफ माई वीडियोज ले रहा हूँ, विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, राइट। तो वही बात है। सो मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिशन टू डिटरमाइन द मार्केट डिटरमाइन द डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को वो सर्विसेज है, राइट। ये वो चीज हो गई। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम इज यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपका खर्च और इनकम एक तरीके से बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हालांकि मार्केट डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड और सप्लाई से आता है। अगर जितना डिमांड है अगर उतना ही सप्लाई है, या जितना सप्लाई है उतना ही अगर डिमांड है, तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम है, कोई भी ज्यादा नहीं है, राइट। तो ऑप्टिमल प्राइस लेवल जो है आपका, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगा सप्लाई बहुत ही कम होगा, तो उस केस में जो आपका प्राइस लेवल है वो ऑप्टिमल हो सकता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस रख सकते हो क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी और डिमांड बहुत कम होगा तो जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको पता रहना तब पता करना होगा कि डिमांड आखिर मार्केट में है कितना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सप्लाई करोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, लेकिन जब दोनों बराबर होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर तो आपको पता चल गया कि इसी प्राइस पॉइंट पर आपका जो है प्रोडक्ट बिकने वाला है, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मार्केट इक्विलिब्रियम के जरिए ही हम लोग पता करते हैं कि आपका जो प्राइस लेवल है वो ऑप्टिमल कब होगा, और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितने क्वांटिटी आपको बनाने हैं, ये चीज भी आपको पता करने पता जो है चलती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल
अ कंपनी में यूज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ और बोल दिया गया, एग्जाम्पल में बोला गया मार्केट सेगमेंटेशन की यहाँ पे बात की गई है कि आप अपने डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को, जैसे यहाँ पे जब आप अमेजन में या फ्लिपकार्ट में जब भी सामान खरीदते हो तो डेफिनेटली आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं खरीदते हो, कभी मम्मी पापा बहन भाई किसी के लिए भी जब भी जरूरत पड़ा आप कुछ जो है वहां से खरीद लिए, राइट। तो यहाँ पे मार्केट जो है हाँ सिर्फ आपका नहीं है, मार्केट यहाँ पे सभी का है, घर में जितने सारे लोग हैं सभी का है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि मार्केट को सेगमेंटाइज कर देती है, ये सेगमेंट जो है बॉयज का है, ये सेगमेंट गर्ल्स का है, ये सेगमेंट 18 से 24 सालों का है, ये सेगमेंट 50 से 60 सालों के लोगों के लिए है। तो वो मार्केट को ना सेगमेंटाइज कर देती है और उसके हिसाब से फिर वो जो है प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे क्या बोला रहा है, कैटेगरी कंपनी में यूज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। मार्केट को सेगमेंटाइज करके वो समझ सकते हैं कि उनका जो कस्टमर ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन सी उम्र के बच्चे जो है उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये बात जो है उनको पता चल जाएगी। उनको पता रहेगा कि ग्रोथ जो है, अब सपोज इस साल अगर 100 बिके, अगले साल अगर 150 बिके, इसका मतलब 50% का ग्रोथ है, तो अगले साल कितना होगा, कम से कम 50% का ग्रोथ और आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 150 की जगह पे आप 200 प्रोडक्ट बनाओगे नेक्स्ट ईयर, उसके आने वाले समय में। तो ये एक तरीके से जो मार्केट, जो एक तरीके से डिमांड फॉरकास्टिंग आप कर रहे हो, जो मार्केट को सेगमेंटाइज कर रहे हो, ये सारा जो कंसेप्ट है ये सारा का सारा जो है इकोनॉमिक्स का है। एंड दैट इज वाई इस जो क्वेश्चन है इसके स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो इकोनॉमिक्स है इसका इस्तेमाल हम लोग बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में करते हैं, और ये जो 4 पॉइंट हम लोगों ने किया इससे ये बात प्रूफ होता है, इससे ये बात जस्टिफाई हाँ होती है। ओवरऑल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बाय अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। मैनेजर्स कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस, क्या है ना। उसी बात को वापस से बोला गया है, कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी मैंने ये बात बोली है कई बार, उसी बात को बोला गया है, ठीक है। राइट तो ये हमारा पहला टॉपिक था, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। ओके सर ओके ओके, मैंने पीडीएफ थैंक शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप उसको डाउनलोड करके एक बार इसको रीड कर लीजिए, सही रहेगा। जी। ओके।